अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं टाइम पर? 3 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था राउट हुरविट्ज़ क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में अपने देखा था कि हाउ वी विल फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और आइदर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन, राइट। तो अपन ने राउत हुरविट्ज़ क्राइटेरिया के बारे में देखा था और उस क्राइटेरिया के अंदर अपन ने केस फर्स्ट डिस्कस किया था, राइट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2, ठीक है। ओके, तो केस नंबर 2 के अंदर अपन सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा, फिर आपको क्लियर करूंगा कि केस नंबर 2 है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका मुझे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राउत हुरविट्ज़ अपन को क्राइटेरिया लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितनी है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एस दैट इज S^5। उसके बाद में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में एस की पावर को राइट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में इसके भी जितने भी कोफिशियंट है, दैट इज 1, 2, 24, 48, -25, -50, ठीक है। उसको आपको फर्स्ट 2 रोज में राइट डाउन करना है। तो मैंने क्या करा है, इनको फर्स्ट 2 रोज में मैंने राइट डाउन कर लिया, राइट। अब क्या करना है आपको, 1, 2, क्लियर है, फिर 24, देन 48, 24 एंड 48, देन -25, -50, राइट। तो मैंने इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड रो का एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, राइट। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में आपको जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, 2 × 48, टू सॉरी 2 × 24 दैट इज 48, एंड -48 × 1 -48 डिवाइड बाई 2। 48 -48 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ रहा है, 48 -48, ठीक है। तो होल टर्म डिवाइड बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टर्म में ये वाले टर्म्स कितनी आ चुकी है, 0। मैंने यहाँ 0 राइट डाउन कर दिया। उसके बाद में सेम आपको फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम लेके चलना है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम और दिस इज द थर्ड कॉलम, ठीक है। उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन चलना है, 2 × -25 दिस इज -50 एंड -50 × 1 तो -50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -50 -50, ठीक है। दैट मीन्स माइनस ऑफ -50, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर भी मेरे पास 0 एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास कोई भी थर्ड कॉलम नहीं है, ठीक है, थर्ड कॉलम यहाँ पर नहीं है। अब इस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट फाइंड आउट हो गए। अब इसके बाद में आपको फोर्थ रो में चलना है, ठीक है। फोर्थ रो में आप फाइंड करोगे, दैट मीन्स 2 0 फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, 0 × 48 दैट इज 0, 0 × 2 दैट इज 0। तो 0 − 0 0, 0 / 0 यहाँ पर जो एलिमेंट्स निकल रहा है दैट इज 0/0, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म में आप फाइंड नहीं कर सकते, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर जो केस नंबर 2 है, ठीक है, केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर, अब ध्यान से सुनना आप इस पर्टिकुलर केस 2 को, अगर किसी भी एक रो के अंदर राउत हुरविट्ज़ क्राइटेरिया अरे में किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 फिल हो जाएं, सारे के सारे एलिमेंट 0 फिल हो जाएं, देन उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन एक ऑक्जिलरी पॉलीनोमियल फाइंड आउट करेंगे। दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि केस नंबर 2 क्या है, अगर राउत हुरविट्ज़ क्राइटेरिया अरे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स 0 फिल हो जाएं, तो उस केस के अंदर वी विल फाइंड आउट द ऑक्जिलरी पॉलीनोमियल। अब ये ऑक्जिलरी पॉलीनोमियल क्या है कि जिस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं, जिस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट 0 हो रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर आपको
एलिमेंट्स वॉच आउट करने हैं। तो जैसे मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, तो आपको इसके जस्ट ऊपर वाली रो में आपको ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे कि इसके जो भी कोफिशियंट है, कोफिशियंट क्या है, 248 and -15, 248 -15। तो 248 और -15 के कौन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? आपके पास 2 कोफिशियंट से रिलेटेड ये वाली टर्म है, 48 से रिलेटेड ये वाली टर्म है, और -50 से रिलेटेड ये वाली टर्म। तो इन तीनों को आप कंबाइन करके एक ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल फाइंड कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? मैंने भी क्या क्या कहा है या दोबारा रिपीट करूं? क्लियर है इतना? अब इस पर्टिकुलर ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल को आपको डिफरेंशिएट करना है। मैंने ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर ली, इस ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल a of s equal to 2s to the power 4 +48s² -15, राइट? अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑग्ज़ीलियरी पॉलीनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू s, राइट? तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू s। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2s to the power 4 का क्या हो जाएगा, 8 into s³, और 48s², दैट मींस 2 into 48, दैट इज 96 into s, और यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें जो भी एलिमेंट, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आर 8 and 96, तो जहां भी आपके पास 0 आ रहे हैं एलिमेंट, वहां पर आपको एलिमेंट फिल करना है। तो इस 0 की जगह 8 आएगा और इस 0 की जगह 96 आएगा। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट किया और यहां पर सेम आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट आपको यहां पर 0 यहां पर आ रहे थे उसकी जगह आपके एलिमेंट्स चेंज होंगे। इन 0 की जगह एलिमेंट चेंज कर दिया 8 and 96, this 8 and 96 को मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखो 8 आ गया और इसमें 96 आ गया, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज सेम रहेंगे। ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज आएगा जिस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स 0 होंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे आपने प्रीवियस जितने भी एग्जाम्पल्स उसमें फॉलो किए। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ तक आता है, उसके बाद में आपको इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं रो नंबर 4 के। तो आपको इसके जस्ट ऊपर कॉलम फाइंड आउट करना है, दैट इज फर्स्ट कॉलम, दैट इज द सेकंड कॉलम। तो आपको मल्टीप्लाई करना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 into 48 - 2 into 96, 2 into 96 and whole divided by कितना आएगा, 8। इसको आपको सोल्व करना है, इसको आप सोल्व करोगे दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको आप जैसे भी आप सोल्व करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो 8 से कैंसिल आउट कर दो, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 into 8 48 48 - 24, 48 - 24 = 24। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है दैट मींस कितना रहा है, 24। उसके बाद में ये वाला एलिमेंट आपको फाइंड करना है, तो सेम आपको ये काम करना है फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम आपके पास ये रहा, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस दैट इज एंट्री 0। अपोजिट डायरेक्शन चलना आपको, 8 into -50 दैट मींस -400 एंड -0 into 2 दैट इज 0। That is -400 - 0, that is -400 divided by कितना रहे, 24 आ रहा है। अब 24 के जैसे आप इसमें 24 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, -400 / 8 आएगा। मैंने यहाँ पे 24 कर दिया, 8 आएगा, क्योंकि आपके पास जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिजिट एलिमेंट 8 है, तो यहाँ पर कितना आ गया डायरेक्टली 50, राइट, माइनस ऑफ 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास आएगा दैट इज माइनस 50, तो इजीली कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में आपके पास फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम की एंट्री कोई भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है, जीरो एंट्री है इधर ब्लैंक, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रो में, तो नेक्स्ट रो में आपको सेम काम करना है, इसके जस्ट ऊपर फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, 24 × 96, तो 24 × 96 माइनस, उसके बाद में आपके पास आएगा माइनस 50 × 8, कोई कैलकुलेटर बता सकता है कितना आ रहा है? निखिल कह रहा है साउंड कट हो रही है, और भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है साउंड में? निखिल आप आपने कनेक्शन एक बार चेक कर लो, अगर बाकी तो नहीं आ रही है तो, और किसी को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? सुहानी को भी आ रही है, और किसी को? सुहानी को आ रही है, निखिल को आ रही है, रावत आपको भी आ रही है? दोबारा चेक करते हैं। नहीं सर नहीं आ रही, नहीं आ रही है। सुहानी आपको आ रही है? माइक ऑन करके बताओ। सुहानी आपको प्रॉब्लम आ रही है? भाई यस यस लिख रहे हो आप, प्रॉब्लम आ रही है, पूछ रहा हूँ आपसे माइक ऑन है कि नहीं आपका। सुहानी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? माइक नहीं है सर। और किसको आ रही है प्रॉब्लम? निखिल आपको दोबारा आ रही है प्रॉब्लम? निखिल सर 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 नेटवर्क नेटवर्क कम है कनेक्ट इसलिए, ओके नेटवर्क इश्यू आई थिंक, तो नेटवर्क यहाँ पर तो सही है, बाकी अपना एक बार आप चेक कर लीजिए, बाकी एक दो प्रॉब्लम आ जाए। नेटवर्क खराब खराब है। तो इसमें लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप उसमें वापिस देख लेने का, कोई प्रॉब्लम आ नहीं, ठीक है। तो अपन चलते हैं इस वाले प्रॉब्लम की तरफ, तो अपन 24 × 96 माइनस ऑफ माइनस 15 × 8 एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा? होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई अपने पास होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 24, ठीक है। तो 24 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपको पास कैलकुलेट होके आएगा बिल्कुल विशाल 112.6, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज 112.6, राइट। उसके बाद में अपन चलते हैं फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ब्लैंक है और जीरो है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आई, या फिर इसको मैं जीरो फिल कर सकता हूँ जैसे भी आप करना। सेम काम आपको नेक्स्ट रो में करना है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में आपके पास 112.6 माइनस 50 एंड माइनस जीरो, ठीक है। तो यहां पर आएगा 112.6 इंटू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 112.6, तो यहाँ पर 112.6 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया? माइनस 50, तो माइनस 50 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ब्लैंक कॉलम है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है केस टू के अंदर। अब इसमें आप क्या करते हो, उसके बाद में आप ये देखते हो कि इस पर्टिकुलर राउथ हुरविज अरे के अंदर जब भी आप स्टेबिलिटी फाइंड करते हो, तो मैंने आपको बताया था मेथड कि इस पर्टिकुलर अरे के अंदर अगर फर्स्ट कॉलम में, ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर अरे के अंदर फर्स्ट कॉलम में अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, देर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, देन द सिस्टम इज स्टेबल, राइट। If there is sign changes in first column, then system is unstable, ठीक है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए कोई साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, मुझे बताइए साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है।
अगर कोई भी साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स, अब ध्यान सुनना, यहां पर मैं रूल आउट करूंगा, अगर कोई भी साइन चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये आपको पता है, ठीक है। बट अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन अगर सेम है सबके, तो उस केस में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इट मे बी स्टेबल, ये यहाँ पे रूल आउट हो गया, ठीक है, मे बी स्टेबल। मैंने क्या कहा, अभी ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर कोई साइन चेंज हो रहा है दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वो अनस्टेबल होगा सिस्टम। बट इस पर्टिकुलर केस नंबर टू में, जिसमें एक रो, एक पर्टिकुलर रो जीरो हुई है, तो उस इस पर्टिकुलर केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि वो सिस्टम स्टेबल होगा अगर साइन सेम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा रूल आउट हो गया है, तो इस पॉइंट को आप क्लियरली समझ लीजिए, मैंने आप ऊपर लिख भी रखा है, यहाँ पर देखिए, when any one row of the route will be zero, it indicates the equation, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं है, आगे चलते हैं, आगे लिख रखा होगा, ये लिख रखा है, if sign changes in first column then the system is unstable, ठीक है, if sign changes in first column then the system is unstable, but if no sign changes in first column the system may be stable, मतलब सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किस केस के लिए, केस नंबर टू के लिए, जब मेरे पास किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्लियर है योगेश, दोबारा रिपीट करो। देखिए, अब मैंने आपको जो राव थोरीज क्राइटेरिया बताया है, उस राव थोरीज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि जब भी हम राव थोरीज अरे डिजाइन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम साइन के होते हैं तो मेरे पास जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होगा, अगर कोई साइन चेंज नहीं होता है देन वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट थ्योरी। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर, दैट इज केस नंबर टू, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि सारे के सारे एलिमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर एक अरे के जीरो हो गए हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में अगर कोई साइन चेंज हो रहा है, अगर कोई साइन चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। बट अगर साइन सेम होते हैं दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि वो सिस्टम स्टेबल परमानेंट, नहीं कह सकता कि सिस्टम स्टेबल ही होगा या अनस्टेबल ही होगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसके बारे में। तो उसके लिए अपन दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे, ठीक है, आप क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट और है कि जो भी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, और जो भी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है कि जो भी इसके रूट्स आएंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करने के बाद में जो भी इसके रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करें। आप फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके जो भी रूट्स आएंगे वो इमेजरी एक्सिस पे लाई करेंगे, और वो रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे, वो रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैं डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर रूट्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आप ऊपर एक पॉइंट लिख रखा है, वो ध्यान से पढ़िए, द अरे कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय फॉर्मिंग द ऑक्सिलरी पॉलीनोमियल, ये हो गया, द पॉलीनोमियल हुज कोएफिशिएंट आर द एलिमेंट ऑफ द रो अबाउट द ऑफ जीरोज इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी पॉलीनोमियल, इसमें मैंने राइट डाउन नहीं करा है, तो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट है वो मैंने राइट डाउन नहीं करा है, जो मैं आपको जो नोट्स के अलावा नोट्स में मुझे राइट डाउन करना चाहिए बट यहाँ पर है नहीं, तो आपको मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास आई है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो भी मैं इसको सोल्व करूंगा वो क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। आप फाइंड करोगे तो जो भी इक्वेशन मैं सोल्व करूंगा उसके नंबर ऑफ रूट्स कहाँ होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, ठीक है। अब वो इमेजिनरी एक्सिस पे जो भी रूट्स मेरे पास आएंगे वो हो सकता है कि रिपीटेड भी हो सकता है नॉन रिपीटेड भी। अब यहाँ रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का क्या मीनिंग है, तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं सपोज आप उस इक्वेशन से सपोज आपको समझाता हूँ, सपोज मेरे पास इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। सपोज ये वाली मेरे पास कोई इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, दैट मींस एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, दैट मींस यहाँ पर जो एस इक्वल टू कौन कौन से रूट्स आ गए, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है, ये मेरे पास रूट्स आ गए, ठीक है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो प्लस आयोटा कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, और माइनस आयोटा यहाँ पे होगा, दैट मींस यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे, इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे, दैट मींस दीज रूट्स आर नॉन रिपीटेड, रिपीटेड नहीं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सपोज एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाले टर्म से इक्वल टू जीरो। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, वापिस आप स्क्वायर करोगे तो उसके पास वापिस टर्म्स आएंगे प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं, प्लस आयोटा भी दो बार आ रहे हैं, माइनस आयोटा भी दो बार आ रहे हैं। तो देखो मेरे पास ये प्लस आयोटा, इसके ऊपर एक और रूट्स आ रहा है, ठीक है, और माइनस आयोटा मतलब एक और रूट्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेड रूट है, दिस इज कॉल्ड नॉन रिपीटेड रूट, नॉन रिपीटेड रूट। और यहां पर कौन से रूट्स हैं, रिपीटेड रूट। रिपीटेड और नॉन रिपीटेड रूट्स का मतलब समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लेके रिपीट करना है, क्लियर हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि रिपीट करना है इंग्लिश, ओके। मैं आपको ये समझा रहा था कि जो भी अपन ने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर दी, ठीक है, जो भी अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो क्या मीनिंग है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर सोल्व करता हूँ तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन दी थी एस की पावर सिक्स वाली, उसमें जो भी नंबर ऑफ रूट्स होंगे उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। और ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब भी मैं सोल्व करूंगा तो 100% गारंटी है कि उसके जितने भी रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाइक करेंगे, या फिर उसके रूट्स रिपीटेड और नॉन रिपीटेड आएंगे। अब रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का क्या मीनिंग है, अगर कोई भी रूट अगर सिंगल टाइम आ रहा है दैट मीन्स वो नॉन रिपीटेड है, कोई भी रूट्स आपका डबल टाइम्स आ रहा है दैट मीन्स डबल टाइम्स और ट्रिपल टाइम्स आ रहा है दैट मीन्स रूट्स रिपीटेड है। तो मैं वही समझा रहा था, सपोज एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह की कुछ इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पर एस इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा रूट आएंगे, एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो यहाँ पर एस इक्वल टू प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा दो टू टाइम्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर है, दैट मींस यहाँ पर फोर रूट्स हैं, यहाँ पर फोर रूट्स आ रहे हैं, और फोर रूट्स के अंदर आपके पास प्लस आयोटा रिपीट हो रहा है, माइनस आयोटा रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड रूट। क्लियर है नीलेश? ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सुनना, इसको आप ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास मैंने बता चुका हूं कि अगर कोई भी
कोई साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल है, वो ऑलरेडी आप जानते हो। अगर सेम साइन है तो सेम साइन के अंदर दो केस हो सकते हैं, सेम साइन है प्लस आपके पास नॉन रिपीटेड रूट है, नॉन रिपीटेड रूट है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं कहूंगा मार्जिनली स्टेबल, दैट सिस्टम इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल। सेकंड पॉइंट, अगर मेरे पास सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में प्लस आपके पास रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास सिस्टम होगा अनस्टेबल। अब एक बात आपके पास क्लियर होगी इससे कि जब भी ऐसा केस आएगा तो सिस्टम स्टेबल तो हो ही नहीं सकता है, ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास ऐसा केस आ रहा है तो आपके पास सिस्टम स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, ये तो मार्जिन स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। तो फर्स्ट केस मैं बता चुका हूं आपको, अगर अपोजिट साइन है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा तो आपको देखना ही, अगर सेम साइन होगा तो कंडीशन है सेम साइन की। अब सेम साइन के अंदर दो केस बन रहे हैं, अगर नॉन रिपीटेड रूट है, अगर रिपीटेड रूट है तो इतना वाला पार्शन तो सेम हो गया, सेम साइन वाला, अगर नॉन रिपीटेड रूट है तो आपके पास सिस्टम होगा मार्जिनली स्टेबल, अगर रिपीटेड रूट है तो सिस्टम होगा स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल, ठीक है, इसमें दो केस आपके बन रहे हैं, तो ये आपको मेमोराइज करना है। तो ये वाले जो दो पॉइंट है ये मैंने यहाँ पर इस नोट के अंदर लिखे नहीं है, तो मैं आपको गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी एक पेज में या फिर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये दो तीन पॉइंट्स नहीं लिखे हैं नोट्स में, तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें किसी को डाउट है इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा पिक्चर में है कैसे, क्लियर है ये वाला पॉइंट कि सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल कब होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर तो आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में है क्या। इस क्वेश्चन को देखिए, इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ फॉल्ट, इन्वेस्टिगेट का मतलब यहाँ पर उन्होंने स्टेबिलिटी बतानी है अनस्टेबल है या स्टेबल, ठीक है, एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। अब यहाँ पर देखो लोकेशन ऑफ फॉल्ट की बात कर रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने जितने भी आपको अभी क्वेश्चन कराए हैं राउत हॉर्विट्ज के, तो उस राउत हॉर्विट्ज के जितने भी मैंने आपको बताए हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ रूट्स आपके पास राइट में लाई करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स आपके इमेजरी एक्सिस पे लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रूट्स का जो मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स का मतलब है वो रूट्स का मतलब ही पोल्स है। एक पॉइंट आपको और क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं रूट्स बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रूट्स इसके हाइट में लाई करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स आपके इमेजरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो रूट्स का मतलब ही यहाँ पर पोल्स है, ठीक है, और ये पोल्स कौन से, क्लोज लूप पोल्स, क्योंकि क्लोज लूप फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज लूप पोल्स, ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स का मतलब ही पोल्स है, ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पर इसने पोल्स पोल्स पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ पोल्स, यहाँ पे दो चीज पूछी है, एक तो स्टेबल है कि सिस्टम अनस्टेबल है, और लोकेशन ऑफ पोल्स ही पूछी है, दैट मीन्स आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करनी ही पड़ेगी। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको नहीं पूछा था कि आपको लोकेशन ऑफ पोल्स बताओ, सिर्फ स्टेबिलिटी पूछा था, तो आपने स्टेबिलिटी फाइंड कर दी, बट इस क्वेश्चन में आपको लोकेशन ऑफ पोल्स पूछिए, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स पूछा है, वन थिंग मस्ट बी क्लियर, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन की ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको गिवन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप राउत हॉर्विट्ज जो अरे है वो फाइंड कर सकते हो, दैट इज अरे, तो मैंने अरे बना लिया है। अब अरे बनाने का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट आप कर सकते हो, मैंने 4 to 5 टाइम्स बता दिया है, आप इजी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें आपके पास जो फोर्थ रो है, फोर्थ रो के सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, सोल्व भी कर सकते हो आप, 2 into 12 24 - 2 into 12 24 जीरो आ गए, 2 into 16 32 16 into 2 32 जीरो आ गए, तो मेरे पास यहाँ पे जीरो जीरो दोनों एलिमेंट जीरो आ गए। उसके बाद में ब्लैंक है, तो ब्लैंक मतलब ब्लैंक लिखो या जीरो लिखो की बात है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर अरे इज जीरो, तो मेरे पास यहाँ पे जो भी अरे का जो एलिमेंट है वो जीरो आ गए। अब उसके दैट मीन्स ये कौन सा केस हुआ मेरे पास,
केस नंबर टू, इट मीन केस नंबर टू। अब केस नंबर टू के अंदर आपको पता है सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर अरे में, जिस पर्टिकुलर अरे के एलिमेंट जीरो आ रहे हैं उसके जस्ट ऊपर जाना आपको, जस्ट ऊपर गया मैं, उसके जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या क्या है, 2, 12 and 16 एलिमेंट है, 2, 12 and 16, तो 12 और 16 वाले जो भी एलिमेंट है, अब आपको ध्यान से देखना है इस पर्टिकुलर अरे में वहां पर जो मैंने एलिमेंट फाइंड किए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो एलिमेंट आ गए थे, उसके जस्ट ऊपर अपन ने फाइंड किया था, तो आपने क्या करा था कि 2 वाला जो टर्म्स कोफिशिएंट है, 48 वाला जो कोफिशिएंट है और -50 वाला जो कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पे ले लिए थे, ठीक है, 2, sorry, 48 and -50, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म्स थी यहाँ पे। बट इसने ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए आप कि जो 2 वाला यहाँ पे टर्म्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस टू द पावर 4 से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एस टू द पावर 4, ठीक है, इसके बाद में जो भी आपके पास जो कोफिशिएंट आते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में आएंगे, दैट मींस ये अगर एस टू द पावर 4 है तो एस क्यूब वाला गायब रहेगा, दैट मींस एस स्क्वायर वाला आएगा कोफिशिएंट, फिर एस स्क्वायर में फिर एस वाला हाइड रहेगा, फिर कॉन्स्टेंट वाला टर्म्स आएगा। इसको मैं और क्लियरिफाई कर देता हूँ, आपके पास और इजी रहेगा। अगर सपोज एस की पावर 4 वाली जो टर्म्स हैं, एस की पावर 4 वाले टर्म्स अगर ये सब जीरो होते तो आपके पास जो इक्वेशन आती, आपके पास जो इक्वेशन आती वो कितनी आती, 2 एस की टू पावर 5 एस टू द पावर 5, ठीक है, प्लस उसके बाद में 12 कोफिशिएंट है, 12 के साथ है एस क्यू, एस टू द पावर 2, ठीक है, प्लस उसके बाद में 16, तो 16 एस टू द पावर 1, तो ऐसे ही, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वेश्चन आती है, अगर एस टू द पावर 4 की साइड टर्म 0 होती, दैट मींस मैं ऊपर वाली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास एस क्यू वाली टर्म 0 हो रही है, इसको ध्यान से समझना, ये टर्म जीरो हो रही है, दैट मीन्स आपको कौन सा एलिमेंट लिखना है इस पर्टिकुलर अरे के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो जब भी मैं अरे की बात करता हूँ वो अल्टरनेट फॉर्म में होती है, अगर मैं यहाँ पे एस फोर की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स सी वाला जो 2 वाला जो एलिमेंट है वो एस टू द पावर 4 का एलिमेंट है, उसके बाद में अल्टरनेट फॉर्म में एस की पावर 4 का हो गया, फिर एस स्क्वायर का आएगा, फिर एस की पावर एस स्क्वायर के बाद में एस की पावर 1 का गायब हो गया, दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एस की पावर 0 है। तो इसी तरीके से सपोज मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है कोफिशिएंट की, तो 2 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस 12 इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, तो 2 एस टू द पावर 4 प्लस 12 एस स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में किसी को डाउट है इक्वेशन कैसे आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया तो इजी आ जाएगा, क्लियर है। अब सपोज ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट, तो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो 2s^4 का तो डिफरेंशिएशन आ गया 8s^3, एंड इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 12 × 2 = 24 × s, राइट। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो मैंने डिफरेंट किया है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा इसकी जगह तो कितना आ जाएगा 8, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 24, और सेम आपको जैसे मैंने सोल्व किया है लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही आपको सोल्व करना है। तो इन दोनों जीरोज को मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय द 8 and 24, एंड रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे। तो मैंने देखो चेंज कर दिया, यहाँ पे 8 और 24, यहाँ पे 00 की जगह लिख दिया, बाकी आपको सेम जैसे आपको राउत हुविज अरे आप सोल्व करते हो वैसे आपको सोल्व करना है, तो आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो।
उसको सोल्व करने के बाद में मेरे पास बाकी एलिमेंट 6 और 16 आए हैं, 2.670 आया है एंड 16 आया है, ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हो। अब मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबल सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो अगर मेरे पास केस नंबर 2 है, तो मैंने आपको बताया था केस नंबर 2 के लिए अगर फर्स्ट रो में सॉरी फर्स्ट कॉलम में साइन अगर सेम नहीं है, चेंज इन साइन है, ठीक है, अगर चेंज इन साइन है डेट में, तो सिस्टम कौन सा है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। बट इस केस में यहाँ पर कोई भी साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, डेट में सिस्टम अनस्टेबल, मैं इसको नहीं बोल सकता, ठीक है, बट हो भी सकता है अनस्टेबल हो, बट यहां तक मैं नहीं बोल सकता क्योंकि चेंज इन साइन नहीं है। अगर चेंज इन साइन नहीं है तो मैं इसको न तो स्टेबल बोल सकता हूँ, अनस्टेबल बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं दो पॉइंट जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, अगर सेम साइन है। अब सेम साइन के लिए दो मेरे पास कॉन्सेप्ट हैं, दो केस हैं, नॉन रिपीटेड रूट और रिपीटेड रूट। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि मेरे पास जो भी रूट्स आ रहे हैं वो रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। अगर नॉन रिपीटेड आएंगे तो मैं कह दूंगा कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, अगर रिपीटेड रूट आएंगे तो मैं कह दूंगा कि सिस्टम अनस्टेबल है। तो मुझे सबसे पहले जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मुझे मैंने निकाली है उसके रूट्स मुझे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास ये वाली 2x^4 + 12x^2 + 16। अब ये फोर्थ पावर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इन फोर्थ। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। जब भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आए, तो आपके पास अगर फोर्थ या एट पावर में आ रही है इक्वेशन, तो उसमें आपको क्या करना है कि एस स्क्वायर को यहाँ पर कोई भी जो वेरिएबल है, एक्स मान लो या टी मान लो, जो भी आपको जूम करना, तो यहाँ पर जो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए एस स्क्वायर को यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, या फिर एस स्क्वायर को मैं सपोज एक्स मान लो, आप चाहो तो कुछ भी मान लो, टी मान लो, एक्स की जगह वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लूँ, तो यहाँ पे एक्स अज्यूम करूंगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 × x² + 12 × x + 16 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसको आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसको सोल्व करने के बाद में आप x को x² पुट कर दो तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है सोल्व करने का, ठीक है। और ये भी कंफर्म है, जब भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, जब भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो इवन पावर में ही आएगी, ऑलवेज जब भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो इवन पावर में आएगी, कोई भी यहाँ पर ओड पावर्स नहीं होगी कोई इक्वेशन में, तो आपके पास इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। भाई इक्वेशन माइंड में तब आ जाएगा कि सपोज मान लो यहाँ पर ओड पावर्स आ गई, तब क्या करेंगे, तो ओड पावर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कभी नहीं आएगी आपके पास, ऑलवेज आपके पास इवन पावर्स ही आएगी पूरी इक्वेशन में, कहीं भी ओड पावर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं सपोज इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन सोल्व करने के लिए एस स्क्वायर को एक्स अज्यूम कर लिया, यहाँ पर आ गया 2x² + 12x + 16, ठीक है। इसमें यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 यहाँ पर 0 की साइड चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6x + 8, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो द्राचार्य मेथड से, आइदर इसके आप फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स आप कर सकते हो 2 और 4, तो यहाँ पर आ गया x + 2 और x + 2, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो, तो x = यहाँ पर आ गया -2 फर्स्ट वन, सेकेंड वन आ गया x = -2, और आपने जो x को जो ज़ूम करा है इट इज एस स्क्वायर, यहाँ पे x को आप लिख सकते हो एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर = -2। इसको आप सोल्व करोगे देट मीन माइनस टर्म है स्क्वायर में, यहाँ पर आयोटा आएगा +-j√2, तो एक तो आपके पास ये रूट्स आ गए, और इसको आप सोल्व करोगे तो x को मैंने यहाँ पर वापस एस स्क्वायर पुट कर दिया है, ठीक है। एस स्क्वायर = -4, तो यहाँ पर आ जाएगा
प्लस माइनस आयोटा टू, तो प्लस माइनस जी टू, तो आपके पास एक ये रूट्स आ गए। तो यहाँ पर आपके पास जो पोल्स आए हैं, एक तो रूट टू आए हैं, तो रूट टू सपोज यहाँ पर है, एक पोल्स यहाँ पर आ गया, एक पोल्स आपका यहाँ पे आ गया, रूट टू माइनस जे रूट टू और माइनस जे रूट टू, एक आपके पास जे टू माइनस जे टू। तो सपोज ये वाला जो रूट्स आ रहा है वो आपके पास आ रहा है जे रूट टू, ठीक है, जे इंटू रूट टू, ठीक है, आपके पास रूट टू आ रहा है। उसके बाद में ये वाली जो टर्म्स है इसके पास माइनस जे रूट टू आ रहा है, तो माइनस जे ऑफ रूट टू, ठीक है। आपके पास जे रूट टू आ रहा है, ऊपर वाली जो टर्म्स आ रही है वो आपके पास जे टू आ रही है, जे इंटू टू, और नीचे वाली जो टर्म्स आएगी वो आपके पास माइनस जे टू आ रही है, माइनस जे। तो आपके पास चार रूट्स आ रहे हैं। अब मुझे देख के बताओ ये रिपीटेड रूट्स है नॉन रिपीटेड रूट्स है, चारों रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है? नॉन रिपीटेड है, सबको पता है रिपीटेड तो आपको कहीं दिखी नहीं है। तो नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, सेम साइन नॉन रिपीटेड रूट, दैट मींस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। मैंने लिख भी रखा नीचे, हैंस द रूट्स आर नॉन रिपीटेड और इमेजिनरी एक्सिस, हैंस द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। दैट मींस वो सिस्टम कौन सा होगा? मार्जिनली स्टेबल होगा। वो आपको मैंने इजीली मैंने बता भी दिया है, जब मैं स्टैंडर्ड फंक्शन को डिस्कस कर रहा था, जब मैंने बताया था अगर रूट्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं, दैट मींस वो नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है।